श्रीराम मित्रों, दिस इज ऋषि पाटिल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर एक बार फैम जैम का रियूनियन हो गया है, तो अपन जा रहे हैं अभी फार्म हाउस और जो है लोनावला में। तो अभी निकले, सब बंदे रेडी है। विनय माली इन द हाउस, उमेश भोईर, प्रतीक भोईर, वो रहने दो, वो अपना विला का नाम क्या है वो बता रहे, वो बाद में बताएंगे, थोड़ा हार्ड है नाम। नहीं नहीं, बोलने के बाद आपको सब बताएंगे क्या व्यू है और क्या कॉस्ट लगा है, मतलब ऐसे कितना खर्चा हुआ है हम लोग का, इतना खर्चा हुआ है कि आगे से फैम जैम निकलेगा नहीं, ये पक्का है। अच्छा, तो बोलो ब्रो, कासा दी वेस्ट्रो विला, ब्रो कासा दी वेस्ट्रो विला लोनावला सर्च कर सकते हो अपन पहले ही, बाद में लोग देख लेना। और अप्लाई कर देना, मिल जाएगा। अभी हमारे गांव भी क्रॉस नहीं किया, 3500 पे डीजल खा चुकी है ठार। अभी आगे आपको बता दे, आगे भी बहुत कुछ बाकी स्टार्ट। और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप #ऋषि69 यूज कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल। तो चलो मिलते हैं आगे, देखते कैसा सफर रहता है। पीस आउट बड़े। बस भाई बस, क्या कर जाए, ये बहुत अरे जान देना को बनाना भाई, मजा है भाई, आई मजा है जम। बस 10-5 तक करी पास बस में बात हो गया, सब पैक करके और हम अभी इस बार अभी सब कल के लिए रेडी है। बादाम चलेगा भाई, बादाम बीदाम सब कुछ चलेगा, काजू भी लो। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ऋषि पाटिल कभी भी फॉर्म में रहते हैं, कभी भी फॉर्म में रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पे गोप्रो पकड़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसा सोच रहा हूँ मैं भी अभी कुछ ऐसा करूँ खर्चा बर्चा। पापा का एक फ्लैट है मेरा इधर अपना गैंगटोंग में, उसको बेच के मैं एक बाइक और एक गोप्रो और कुछ 360 यहाँ पे मेरा 1.5 लाख का मोबाइल प्रतीक भोईर ने गिरा दिया है। प्रतीक भोईर हेट यू ब्रो। चलो भाई, ज्यादा बकवास गिरे नहीं, हम बहुत रिच लोग है, बहुत रिच लोग बाबा। दोस्तों अभी हम है खालापुर में, तो इधर लोनावला इधर से समथिंग कितनी किलोमीटर है अभी कुछ नहीं, अभी ज्यादा इधर 18 मिनट 22 ज्यादा से ज्यादा 18 मिनट लगेंगे। तो पहले कुछ करते हैं नाश्ता विश्ता, मतलब कुछ खाना पड़ेगा, काफी भूख लगी है, पहले पेट पूजा होती है बाद में काम। मैंने तो गलती लेके आया हूँ। तो हो गया दोस्तों, नाश्ता वास्ता करके अभी चल रहे हैं, सीधा पहुंचेंगे फार्म हाउस पे, फिर दिखाएंगे उसके बाद। क्या बोल रहे विनय भाई? एक नंबर भाई। चेयर्स टू एवरीवन। जो गलती हो गया था हमारे से, उसके लिए हम लोग इतना एक कर रहे खर्चा, कुछ नहीं यार, बस अमीर लोगों के चोचले, घर पे भी ऐसी कॉफी मिलती है। लेकिन ये विनय बोल रहा था कि स्टारबक्स ही जाना है, स्टारबक्स ही जाना है, और उस पे हाथ रखा प्रतीक भोईर ने। और वैसे भी हम लोग को पैसे कुछ कमी नहीं, 1 करोड़। अरे भाला सेठ ने बैग भर के पैसा दिया के लिए, कोई नहीं रहेगा, कोई तो बताओ, वेकेशन खाली है यार। मैं फिर भी आवाज दे दो, बात तो सही है भाई। So guys, लोनावला के पहले हम लोग आए यहाँ पे हमारे कुलस्वामिनी देवी का मंदिर एकवीरा लोनावला, और यहाँ पे हम लोग जितने बार आते हैं उन लोग उतना टाइम हम लोग को ऐसा लगता है कि हम ऐसे घर में ही आए ऐसा लगता है, और बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिलता है यहाँ पे, और हर एक मन की इच्छा है जो पूरी होती है 100%। माते की जय। और यहाँ पे दर्शन अच्छे से हो गया है, और हम लोग निकल रहे अभी विला के लिए, और थोड़ा एक पार्सल अभी ले लेते हैं, और अभी टायर्ड बहुत हो गया, मैं ऐसा लग रहा है मुझे सोता हूँ पहला 2 घंटे कितनी वाला बाद में आते हैं।
तो भाई वो सेम ऐसे फीलिंग आ रही है कि जैसे हमारे गांव में किधर खेत पे आए, देखो 1000 रुपए ले रहे पैदल भेज रहे और पैदल भेज रहे ये ऐसे ही रहता है। जहाँ विला अच्छा रहता है ना, फिर रोड रोड का कोई ना कोई मसला रहता है। विले चाहिए था उनका, हमारे हमारे साथ 2-3 बार हुआ है, तो ऐसे लग रहा है अभी आदत हो। गलत बात नहीं ब्रो, गलत नहीं रे भाई, जो पैसा पैसे का टेंशन नहीं रे, पैसा टोक के पड़ा नहीं बाप के पास। 2-3 मिनट चल के जाना पड़ेगा और कुछ नहीं, देखते हैं अभी अंदर जाके विला दिखाएंगे हम कैसे। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, विला पहुंच गए फाइनली। तो ये है विला, इसके हमने अराउंड 25 के पोस्टिंग दिए कुछ एक दिन के, और ये वीकडे का है, वीकेंड पे कुछ अलग ही रहेगा सीन। मेरे ख्याल से 35 के तक जाएगा। और ये हमारे प्रसाद शेठ भाई, वन साइड और बाकी सब शूटर भी पहुंच गए। विला तो काफ़ी बेहतरीन है, ये बेडरूम इधर से आप देख सकते हो, यहाँ से ये भी मिल रहा है 25K जैसा है, वर्थ है 25K। डी मेरा भाई, व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, बाकी सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, सब अंदर पहुंच गए बंदे, सब अंदर रेडी बेडरूम तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को बेडरूम बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छे मेंटेन किए उन लोगों ने, इंटीरियर बहुत अच्छा किया है। और ये वॉशरूम देख सकते हो आप, और ये मैं और ये है टेरेस, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ के ऊपर से ये व्यू है, ये छोड़ के भी काफी अच्छे व्यू है, यहाँ देख सकते हो सब। और वो वहाँ पर देख सकते हो कारला, एक फिर आएगा डोंगर मंदिर वहाँ पे। चलो चलते हैं नीचे, सब बॉयज रेडी है मजा करने के लिए, नीचे जाके देखते हैं थोड़ा क्या सीन शॉट है।
तो भाइयों अभी सीधा मिलते हैं रात में, क्योंकि अभी खाना खाना है, उसके बाद थोड़ा और मॉल बहुत अच्छा है, चिल भी मार है, सब एकदम बढ़िया है। मेरे ख्याल से विला तो बेस्ट है, 25 के वर्थ ही है, आप आ सकते हो ट्राई कर सकते हो। कैपेसिटी कम लगी क्योंकि दो ही रूम है, तीन बेडरूम है, लेकिन बेडरूम भी काफी बड़े हैं, तो आप आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। हम नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में देंगे क्या लोकेशन है, क्या कॉस्टिंग है, ये सब कुछ। और ये हमारे धीरज गुलवी देव पाटिल आपका नाम रोशन कर रहे हैं लोनावला में भी और 07 कोलैबोरेशन करने वाले बहुत जल्द फैम जब का खाली ऋषि पाटिल ही जाएगा 07 में अपने सब भाई काम कर रहे हैं, अभी खाना बनाने की तैयारी चालू है। उमेश भोर क्या बना रहे आज? लहसुन लौला। सब रेडी है। जयेश भाई क्या बनेगा आज? आज कुल्फी। कुल्फी बनेगी। विकी भाई क्या कर रहा है तू? मजदूरी कर रहा है। नरेश भाई सब ऑल राइट? और यहाँ पे हमारा व्लॉग चल रहा है। दरिया में शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। नाव हाय भारी त्याची वेरणा गारी, नाव हाय भारी त्याची वेरणा गारी, त्याच्या नावाचा हाय बोलबाला, त्याच्या नावाचा हाय बोलबाला।
आला आला यो विनय शेट माली आला यो भिवंडी वाला आला ऋषी पाटील यांना अपशब्द वापरलेले आहेत म्हणून मी कान पकडून त्याची माफी मागतो। जय श्री राम मित्रों, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अरे भाई इधर से चल। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट। तू बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं। अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं। घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं। मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं। समझ नहीं आए मेरे लव पर आ रूंगी तो शिट से हुआ मुझे कब। स्टूडियो